इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। आगे कह मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिल आई। तब प्रभु कहते हैं, जाकर चित अहि गति सम भाई, अस कुमित्र परिहरे भलाय। आगे मीठा मीठा बताए, पीछे निंदा करे। मित्र का यह कर्तव्य होता है कि उसकी कोई निंदा करने आ रहा हो तो उससे भी निंदा नहीं सुननी चाहिए। मिठाई खाओ, जाओ, दोबारा लौट के नहीं आना। जय जय सीताराम। मित्र धर्म बोलने का नहीं है, रहने का धर्म है। यहां परमात्मा ने सिद्धांत दिया है चार के प्रति, सेवक सठ नृप कृपन कुनारी कपटी मित्र शूल समचार। सेवक सठ हो, कितना भी समझाओ तो गलती बार बार करे, सठ सेवक। कंजूस राजा हो जहां का, नृप कृपन कुनारी जो नारी शिक्षण जानकर भी और अधर्म की मति गति हो जिसकी, वो नारी कुनारी। अब कपटी मित्र, ये शूल सम है। शूल कहते हैं उस दर्द को, उठता कहीं है, जाता पूरे शरीर में, शूल का दर्द। बनियान में कपड़ों में कभी कभी खोंच लग जाती है, उसको शूल कहते हैं। जब तक निकाल करके कपड़ा नहीं फेंकेंगे आप, ठीक होने वाला नहीं। भगवान के श्रीमुख निकले वचन हैं, सेवक सठ नृप कृपन कुनारी कपटी मित्र शूल समचार। इनके प्रति सावधान रहना, दूरी बना के रखना, भेद नहीं देना, घात हो जाएगा। लाख अनन्यता दर्शाए, लाख प्रेम वृष्टि करे, तब भी जीव को सहज ही रहना। व्यवहार में अपनी बरात है क्या यहां? अरे आने दीजिए, और क्या, 10-12 बरात आवे और अच्छी बात है। बाबा का दरबार है तो भगवान ने मंत्रणा दी, नीति दी। सुग्रीव जी से हालचाल पूछा, सुग्रीव जी ने बाली और अपना संवाद बताया, विवाद बताया। भगवान ने फरक उठी दो भुजा विशाला और परमात्मा ने बाली को गति दिया, बोलिए रामचंद्र भगवान की। तारा मैया को ज्ञान उपदेश किया प्रभु ने, सुग्रीव जी को राजसत्ता दिया, अंगद जी को जो राजपत्र अभिषेक किया गया। अब भगवान प्रवर्षण पर्वत पर वास करने जा रहे हैं। मित्र को बताए, हमारे कार्य का ध्यान रखिएगा, अब मैं चार माह चातुर्मास्य करूंगा। भगवान चातुर्मास्य करते हैं, चातुर्मास्य उपरांत लक्ष्मण जी को हल्का आवेश देकर भगवान ने भेजा, सुग्रीव हमारा कार्य भूल गए। देखिए जीव का स्वभाव है, भगवान की याद रहती है, कितनी कब तक। प्रातः समणी पूज्य स्वामी विवेकानंद जी अपने मित्रों से बैठकर कुछ भगवत चर्चा कर रहे थे। पूज्य स्वामी जी ने कहा, देखो मनुष्य का स्वभाव कुत्ते की पूंछ जैसा है। कैसा है? कुत्ते की पूंछ ऐसे ही रहती है, उसी दिन नहीं होती है, ऐसे ही रहती है ना, ऐसे रहती है। और सत्संग ये लोहे के फोफी जैसा है, फोफी बोले तो पाइप जैसा है। कुत्ते की पूंछ जैसे मनुष्य के स्वभाव में जब तक लोहे का बांस का पाइप पड़ा रहेगा तब तक वो सीधी रहेगी, और जैसे ही आपने पाइप निकाला, फोफी निकाला, बांस निकाला, वैसे ही फिर वो हो जाती है।
ये आवश्यक नहीं है कि हम आप सत्संग में गति कर रहे हैं तो हमारी आपकी मति में साल भर ये सत्संग का रस बना रहेगा, भाव बना रहेगा, क्योंकि हम लोग संसारी हैं साहब। कथवा के पंडाल से जाते ही सब बिसर जाता है, काहे अब खटखट बहुत है, इतना काम है, अब यही करते रहेंगे तो फिर व्यवहार कैसे होगा, व्यवहार नहीं होगा, व्यापार नहीं होगा, तो यूं नहीं होगा जो हो रहा है, तो क्या करना है, विस्मरण नहीं करना है, स्मरण में लगे रहना है। पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा, देखो किसी गुरु भाई ने पूछा कि स्वामी जी फिर यदि ऐसा है तो फिर करने की आवश्यकता क्या, बोले ना 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 ऐसा नहीं करना है। सदगुरुदेव भगवान का यह निर्णय है कि मनुष्य का स्वभाव कुत्ते की पूंछ जैसा है और हम लोगों को कार्य मिला है, दायित्व मिला है, कर्तव्य दिया गया है, हम साधकों को, सन्यासी गणों को, साधुजनों को, विरक्त महापुरुषों को, कि मनुष्य मात्र के कुत्ते की पूंछ जैसी स्वभाव में सत्संग सुनाए 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 सुनाए, बांस की लोहे की पाइप भोंफी डाले रहो, जिससे उसका स्वभाव भगवत भजन में सीधा बना रहे, नहीं तो क्या मनुष्य करेगा, भगवान भी नहीं जानता। ये पढ़ी रहे हो, निरंतर पढ़ा रहे, रमा रहे, इसीलिए मित्रों माताओं सत्संग जीवन में अनिवार्य है। पूज्य स्वामी गीतानंद जी महाराज कहते हैं, सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी, सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। तन धन धाम संग नहीं जावे, सुतारा कोई काम न आवे, तन धन धाम संग नहीं जावे, सुतारा कोई काम न आवे, ममता का संघार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी, सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। यह जग मोहनी का सपना नहीं, कोई गैर नहीं कोई अपना, नहीं कोई बैर नहीं कोई अपना, सपना नहीं कोई बैर नहीं कोई अपना, सत्य असत्य विचार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी, सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। भजन नित प्रति की जय, अंतःकरण शुद्ध कर लीजिए, हरि का भजन नित प्रति की जय, अंतःकरण शुद्ध कर लीजिए, प्रभु से साक्षात्कार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी, सत्संगति से प्यार करना
भावन भगवान की जय हो। श्री पार्वती मैया की जय हो। आज के मंगल महोत्सव की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।